मम्मी पापा को हम कैसे समझाएं, मम्मी पापा को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अपने मम्मी पापा को हम क्यों बनाएं, अपने मम्मी पापा को हम क्यों समझाएं। क्या हम अपने मम्मी पापा को इसलिए समझाना चाहते हैं ताकि वो हमसे खुश हो जाएं, या ताकि वो रोज़ हमें शाबाशी दें, या ताकि वो रोज़ हमारी जान ना खाएं। तो इस सवाल को सबसे पहले पूछने की कोशिश करो अपने आप से, क्योंकि मम्मी पापा को समझाना और बनाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। ये बहुत मुश्किल काम भी होगा, क्योंकि आपकी और आपके मम्मी पापा की सोच बहुत अलग है, दिमाग बहुत अलग है, उम्र बहुत अलग है, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या आप इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि आप अपने मम्मी पापा को समझाओ, अपने मम्मी पापा को बनाओ जो काम आप करना चाहते हो, या उस टाइम को आप इस्तेमाल करो कुछ अच्छा काम करने में। कहने का मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है। समझ लो, आज एक छोटा बच्चा कुछ करना चाहता है और मेरे से कुछ पूछता है, तो मैं उसे बड़ा सिंपल जवाब दूंगा कि आप एक आईपैड लो, इंटरनेट लो, लैपटॉप लो और इंटरनेट पे कुछ भी काम करो, क्योंकि आज इंटरनेट पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज इंटरनेट पे आप इतनी सारी तरीक़ों से पैसे बना सकते हो, कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को अपने मम्मी पापा के पास भेजूंगा, तो मेरे मम्मी पापा उसे बोलेंगे, बच्चे आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। और वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेरे और मेरी मम्मी पापा की जनरेशन गैप इतनी ज़्यादा है, सोच इतनी अलग है कि वो उस बच्चे को एक अलग रास्ता दिखाएंगे और मैं उस बच्चे को एक अलग रास्ता दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट पे आपको कुछ करना चाहिए या आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि क्योंकि आपकी और आपके मम्मी पापा की सोच बहुत अलग होगी, दिमाग बहुत अलग होंगे, तो आपको इस चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि मम्मी पापा को कैसे बनाएं, कैसे समझाएं। उससे अच्छा आप उस टाइम को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करके कुछ आपको अच्छा करने का सोचना चाहिए। और वैसे भी अगर हम मम्मी पापा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है? क्या हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? या फिर हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा खुश हो जाएं जो हम कर रहे हैं? तो मम्मी पापा को समझाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप जो चीज़ पे विश्वास करते हो उस पे सक्सेसफुल होके दिखाओ, ताकि आपके मम्मी पापा ऑटोमेटिकली आपकी बात मान जाएं और आपको समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपने आप ही मान जाएं आपकी बात, क्योंकि आप उस चीज़ पे सक्सेसफुल हो गए जिस चीज़ को आप मानते थे। अब दोस्तों इस पे एक बात और आ जाती है। कहीं बार ऐसा होता है कि आपके माँ बाप ये चाहते हैं कि आप उनकी तरह ज़िंदगी जियो। अब ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपके माँ बाप की जो ज़िंदगी थी वो आपसे बहुत अलग है। उनकी ज़िंदगी में जो लोग आए, जिन लोगों ने उन्हें आके उनकी ज़िंदगी में कुछ सिखाया, आपकी ज़िंदगी में अलग लोग आएंगे और आपको अलग तरीके से सिखाएंगे। उनको अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपीरियंसेस मिले, वो आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत अलग होंगे। इसलिए आपको वो चीज़ नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ आपको मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं या आपको बहुत दबा रहे हैं वही पर्टिकुलर चीज़ करने से। अगर आपको वो चीज़ पसंद है फिर बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आप सिर्फ इसलिए करे जा रहे हो क्योंकि आपको अपने माँ बाप को खुश करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और जब आप कोई चीज़ को पसंद ही नहीं करते, तो उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाओगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ खुशी ही नहीं देती। और इसलिए दोस्तों आपको ये सवाल अपने आप से पूछना फिर से बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मम्मी पापा को क्यों बनाना चाहते हो, क्यों समझाना चाहते हो। वैसे भी दोस्तों हमारे पास जीवन में इतना समय नहीं है कि हम सबको अपने जीवन में अपनी बातें समझाते रहें, और सबको आप अपने जीवन में बातें समझा भी नहीं सकते, क्योंकि सबकी सोच, सबके दिमाग बहुत अलग हैं, सबकी ज़िंदगी बहुत अलग है। इसलिए जो समय आप अपने मम्मी पापा को समझाने में वेस्ट करोगे, मेरा ये कहना है कि आप उस समय को अपने लिए कुछ अच्छा करने में यूज़ करो, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है दोस्तों और बहुत जल्दी आपका समय ख़त्म भी होता जा रहा है। तो अपने समय को इस चीज़ में मत वेस्ट करो कि आपको मम्मी पापा को समझाना है या किसी को बनाना है। जल्दी से वो काम करो जिस काम को आप मानते हो, जो काम को आप अपने मम्मी पापा को समझाना चाहते हो,
ताकि आप उस पर्टिकुलर काम पे जिस पे विश्वास करते हो सक्सेसफुल हो जाओ और आपके मम्मी पापा ऑटोमेटिकली आपकी बात को समझ जाएं, मान जाएं। अब दोस्तों हम उस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि समझ लो आपका दिल नहीं मानता है और आप अपने मम्मी पापा को समझाना चाहते हो, आप इस चीज पे टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करो? तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जो चीज अपने मम्मी पापा को समझाना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के पास जाओ और अपनी बात को अपने मम्मी पापा को बता दो। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो आपकी बात को मान जाएंगे या फिर वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर वो आपकी बात को मान जाते हैं तो हो गई बल्ले बल्ले, अगर वो आपकी बात को नहीं मानते तो फिर उनको हाँ जी बोल दो और उनकी ना को हाँ कर दो। क्योंकि जब आप उनकी ना को भी हाँ कर दोगे और उनको हाँ जी बोल दोगे तो आपके मम्मी पापा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी की बात को मान जाते हैं या हाँ बोल देते हैं तो मम्मी पापा क्यों, कोई भी आपकी बात से खुश हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि पॉइंट्स लिखो। जब आप अपने मम्मी पापा को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो तो मम्मी पापा के पास जाने से पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, कन्विंसिंग पॉइंट्स लिखो उस बारे में जो बात आप अपने मम्मी पापा को समझाना चाहते हो, और लॉजिक और रीजनिंग के साथ उन बातों को जाके अपने मम्मी पापा को बताओ। अब फिर से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके मम्मी पापा आपके पॉइंट्स को हाँ कर देंगे, मान जाएंगे, फिर तो लग गया आपका जैकपॉट, या फिर आपके मम्मी पापा आपके पॉइंट्स को नहीं मानेंगे। अब अगर आपके मम्मी पापा आपके पॉइंट्स को नहीं मानते हैं तो फिर आप उनसे पूछो कि आप मेरे पॉइंट्स को क्यों मना कर रहे हो, आप मेरे पॉइंट्स को क्यों नहीं मान रहे। अपने मम्मी पापा से लॉजिक और रीजनिंग लो, क्यों वो आपको ना कह रहे हैं। जब वो आपको अपनी लॉजिक और रीजनिंग देंगे फिर वापस जाओ, फिर पॉइंट्स लिखो, फिर मम्मी पापा को कन्विंस करने की कोशिश करो। अब दोस्तों सोचना आपको है, या तो आपको इस बहस में पढ़ना है या फिर आप इस टाइम को वेस्ट करने के बजाय जिस चीज को मानते हो उस चीज पे मेहनत करो और सक्सेसफुल होके दिखाओ ताकि मम्मी पापा ऑटोमेटिकली आपकी बात को मान जाए और समझ जाए और आपको उनको कुछ समझाने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप अपने मम्मी पापा को कैसे समझाते हो, कैसे बनाते हो, अपने जो आपके दिमाग के आइडियाज हैं वो नीचे जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।